खुलासा, विभाग ने दूसरी लहर में 330 मौत बताई। सिर्फ अप्रैल मई में जारी हुए 3973 डेथ सर्टिफिकेट। ये खबर सावधान करने के लिए है, क्योंकि हमारी लापरवाही से फिर जानलेवा हो सकता है कोरोना। कोरोना से हुई मौतों पर सरकार झूठ का पर्दा डाल रही है। जयपुर से रोज जारी होने वाली रिपोर्ट के अनुसार दूसरी लहर में जिले में मई तक 330 मौतें बताई जा रही है, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डेथ सर्टिफिकेट के आंकड़े जुटाए तो चुकाने वाली जानकारी मिली। जिले में अप्रैल मई में ही 3973 डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। ये पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। पिछले साल अप्रैल मई में 2288 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए थे। सांख्यिकी विभाग ने बताया कि इस साल जनवरी से मई तक 7217 डेथ सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, जबकि 2020 में पूरे साल में ये संख्या 14268 थी। यानी पिछले साल की तुलना में 50% सर्टिफिकेट इन 5 महीनों में जारी हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब तो यही है कि ग्रामीण इलाकों में कोरोना से हुई मौतों का सच छिपाया गया। अब सरकार संक्रमण से मरने वालों की पंचायत बार सूचना जुटा रही है। संबंधित विभागों से सर्वे कराया जा रहा है। सवाल ये भी है कि इस सर्वे में क्या होता है, कि मौतों के सही आंकड़े बताए जाएंगे कि नहीं। सीकर शहर, पिछले मई और अप्रैल में 191 सर्टिफिकेट जारी हुए। इस बार 1194 सीकर नगर परिषद इलाके में पिछले साल अप्रैल मई में 191 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए, लेकिन इस साल ये आंकड़ा 6 गुना तक बढ़ गया। इस साल अप्रैल मई में 1194 डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए। ये आंकड़े संक्रमण के साए में बढ़ने वाले मौत की सच्चाई साबित करने के लिए काफी है। तोई में पिछले साल की तुलना में 4 गुना डेथ सर्टिफिकेट। कोरोना की दूसरी लहर ने ग्रामीण इलाकों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। कई गांव इसकी दर्द भरी कहानी कह रहे हैं। थोई और कावड़ में महज अप्रैल मई में 2021 में पिछले साल की तुलना में 4 गुना डेथ सर्टिफिकेट जारी हुए। 2021 में ये संख्या महज 5 थी, जबकि इस साल 23 मई तक ये इतनी ज्यादा हो गई है। सड़क हादसों में आई 90% की कमी, जबकि कोरोना से मौतें छुपाई। राजस्थान में लॉकडाउन के कारण वाहनों का संचालन नहीं हो सका, ऐसे में सड़क हादसों में 90% की कमी हुई। हादसे नहीं होने से दुर्घटना में मृतकों की संख्या में भी बेहद कमी आई। सामान्य बीमारियों के मरीज घटे। सामान्य बीमारियों के मरीजों में 70% की कमी आई है। लोगों ने घरेलू उपचार से सामान्य बीमारी का इलाज किया, इसी कारण दवाओं की खपत भी कम हुई। सिर्फ संक्रमण के आंकड़ों की चर्चा, इस साल दूसरी लहर में संक्रमण की चर्चा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच बीमारी और अन्य कारणों से कम मौत हुई। सिर्फ संक्रमण और पोस्ट कोविड में ज्यादा मौतें हुई हैं। नए 28 पॉजिटिव, 3 साल के बच्चे समेत 2 की मौत। जिले में मंगलवार को 28 नए मामले मिले। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30,706 हो गई, और इनमें से 29,826 स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को 117 लोग स्वस्थ हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 550 है। इधर जयपुर के